यहाँ चौथे वचन से लेकर के छठे वचन में लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ये पत्री उन मसीही विश्वासियों के लिए लिखी जा रही है जो यहूदी बैकग्राउंड के हैं और उनका जो विश्वास है वो खतरे में है, वो अविश्वास में पड़ते जा रहे हैं। तो यहां पर इसी बात को यहां लेखक लिख रहे हैं, जिन्होंने पवित्र आत्मा को पा लिया, जिन्होंने पवित्र आत्मा को ब्याने में पा लिया और परमेश्वर की सामर्थ्य को जान लिया, परमेश्वर के भेदों को जान लिया, अनंत जीवन के भेद को जान लिया, पवित्र आत्मा के वो भागी हो गए, परमेश्वर के उत्तम वचन, ये जो वचन प्रभु यीशु मसीह और के द्वारा दिए गए हैं, ये परमेश्वर के उत्तम वचन हैं, उनका स्वाद चख चुके हैं, उनको हम जान चुके हैं, आने वाले युग की भेद की बातों को भी जान चुके हैं। यदि वो मसीही विश्वासी अपने विश्वास से भटक जाए तो फिर उनका मन फिराना अनहोना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर कौन सा उद्धार हम लेकर के आएंगे, फिर कौन सा उद्धार लेकर के आएंगे यदि सब कुछ जानने के बावजूद भी, अपना जीवन बदल जाने के बावजूद भी, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में महसूस करने के बावजूद भी, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें निरुत्तर किए जाने के बावजूद भी, यदि हम शैतान की चालों में फंस जाएं, संसारिक अभिलाषाओं में फंस जाएं, अविश्वासी हो जाएं, अपने मन को भटका लें, तो यहां पर फिर हमें नया बनना अनहोना है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक बार क्रूस पर चढ़ा है और उसने एक ही बार निष्कलंक मेमने के समान एक ही बार महायाजक के रूप में हमारे पापों का प्रायश्चित कर दिया है। तो क्या अब हम बार बार अपने जीवन में अविश्वास को लेकर के आए, तो क्या बार बार हम प्रभु यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ाएंगे? मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मसीही विश्वासी इस प्रकार से अपने जीवन में अविश्वासी हो जाते हैं या संसारिक अभिलाषाओं में फंस जाते हैं या अपने उद्धार को वो छोड़ देते हैं या फिर वो धीरजवंत बने नहीं रहते हैं, वो शैतान के आहार हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए लेखक लिख रहे हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, यानी कि फिर नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए वो फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासी जो उस उत्तम वचन का स्वाद चख चुके हैं, उन उत्तम आशीषों को वो जान चुके हैं, यदि वो फिर मसीही विश्वास से भटक जाए तो फिर उनका उद्धार या मन फिराना अनहोना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह केवल एक ही बार हमारे लिए मरा है और वो जीवित हो चुका है, अब हम उसे बार बार नहीं क्रूस पर चढ़ा सकते। और जो लोग ऐसा करते हैं, वचन को जानने के बाद भी, वरदानों में भरने के बावजूद भी वो अपने आप को शैतान का गुलाम बना लेते हैं, ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वाभाविक रूप से तो नहीं, लेकिन हम कहेंगे एक सिंबॉलिक रूप से प्रभु यीशु मसीह को दोबारा से क्रूस पर चढ़ाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए यह बात ऐसी होगी कि यदि उस पर विश्वास करने के बाद यदि वो अपना हाथ हल पे से हटा रहा है तो प्रभु यीशु मसीह को वो क्या कर रहा है, दोबारा से क्रूस पर चढ़ा रहा है। आगे सातवें वचन में लेखक लिखते हैं, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है उनके काम का साग पात उब जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है, और यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर और उसका अंत जलाया जाना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह से सुना था कि प्रभु कहते हैं कि कुछ बीज ऐसी भूमि पर गिरे जो वहां पर फलवंत हो गए, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं वचन रूपी जो पानी है, यहां पर जमीन का उदाहरण दिया गया है, यदि कोई किसान अपनी खेती करता है वो उसे पानी देता है, उसकी जुताई करता है, वो किस लिए करता है, ताकि वो अपनी फसल को प्राप्त कर सके, लेकिन अगर वो फसल की जगह ऊंट कटारे उगाएगी तो वो क्या करेगा, किसान उनको बटोर कर आग में डाल देगा। ऐसे ही जो वचन रूपी पानी जो हमें मिल रहा है,
यदि हमने अपने अंदर वो बातें उत्पन्न नहीं की जो परमेश्वर जिसके लिए हमारे मन में वो वचन दे रहा है कि हम अनंत जीवन के विश्राम को प्राप्त करें, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में जिएं, उसकी आज्ञा पालनता के अनुसार जिएं, सिद्धता में जिएं, तो फिर हम भी जैसे वो किसान उन ऊंट कटारों को, जंगली वृक्षों को क्या कर देगा, आग में जलाएगा, वैसे ही मुझे और आपको वचन का पानी दिए जाने के बावजूद भी यदि हमने ऊंट कटारे अपने जीवन से उगाए तो हमें भी वो आग में, उस गंधक की झील में क्या कर देगा, हमेशा हमेशा की पीड़ा के लिए डाल देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने आप को संभालना होगा, हमें अपने आप को सिद्धता की ओर बढ़ाना होगा, क्योंकि यदि हमने एक बार प्रभु का जो हमने अंगीकार कर लिया है, हमने हर चीज को जान लिया है, यदि उसके बावजूद भी हम पाप पे पाप करते रहेंगे, सही मायने में अपने मन नहीं फिराएंगे, तो ये याद रखिएगा कि अगर हम एक बार ऐसा पाप करते हैं जो पवित्र आत्मा को शोकित करने वाला पाप है, तो हम एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, छोटी मोटी गलतियां, छोटी मोटी बात तो सभी मसीह विश्वासियों के जीवन में आती हैं, लेकिन ऐसे काम जो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, जो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, यदि हम ऐसे काम अपने जीवन में लेकर के आएंगे या हमारे जीवन में पाए जाएंगे, तो फिर अब कोई भी उद्धार हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक बार हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा है, हम उसे बार बार क्रूस पर नहीं चढ़ा सकते हैं। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।